Actor-singer Himesh Reshammiya returns to acting with Happy Hardy and Heer later this month, and he says that his journey as an actor is not a regular one. The actor added he saw many ups and downs in his journey. He also informs that he is working on a sequel of his 2014 release, The Expose. Because I am not coming through the regular route. एक जर्नी जो है वो बहुत ही एक स्ट्रेट एक्टर की जर्नी नहीं है. एक म्यूजिशियन है जो एक्चुअली सीरियल प्रोड्यूसर बन जाता है पहले, फिर उसके बाद एक म्यूजिक कंपोजर, सारे गाने हिट हो जाते हैं, सीरियल्स प्रोड्यूस करते हैं, वो हिट हो जाती है, सिंगर के तौर पे बहुत कामयाबी मिली. एंड देन आई बिकेम एन एक्टर, एंड देन उसमें उतार चढ़ाव मैंने देखे हैं, रीइन्वेंशन किया है अपने लुक्स को लेकर, अपने इम्प्रूव करने की कोशिश की है. Said Himesh while promoting Happy Hardy and Heer with co-actor Sonia Mann. The actor said he wants to win appreciation of the audience as well as film critics with his acting. मुझे मेरे लिए बहुत important था इस फिल्म में as a performer उस debate को खत्म करना कि भाई हिमेश को acting करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरी 10वीं फिल्म है as an actor, so बहुत point of views हैं लोगों के, which I appreciate, you know. बट कहीं ना कहीं पिक्चर का बिजनेस भी होता रहा है, कुछ फिल्में चली कुछ नहीं चली. एक्सपोज में मुझे काफ़ी क्रिटिक्स ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया, बिजनेस बहुत अच्छा हुआ, उसकी सीक्वल भी बनने जा रही है. हैप्पी हार्डी एंड हीर इज डायरेक्टेड बाय राका एंड द फिल्म विल क्लैश एट द बॉक्स ऑफिस विद सैफ अली खान तबू स्टारर जवानी जानी मन. द फिल्म इज प्रोड्यूस्ड बाय दीपशिका देशमुख एंड सविता मानकचंद. आईनेस्ट रिपोर्ट. Subscribe to our channel. Just click on the bell icon for all the latest updates.